से मेरे चैनल निहास किचन में आपने करेले की तो बहुत सी सब्जियां बनाकर खाई होगी, पर आपने कभी करेले का कीमा बनाकर खाया है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, करेले का कीमा। इसमें मैंने कोई भी नॉनवेज का यूज नहीं किया है, ये प्योर वेज रेसिपी है। तो अगर आप या आपके घर में कोई ऐसा है जिसे करेला खाना नहीं पसंद है जैसे कि मैं, तो उसे भी करेले की ये सब्जी बहुत ही पसंद आएगी। तो कैसे बनाना है ये करेला, चलिए देखते हैं इसकी एक जल्दी से क्विक रेसिपी। तो इस रेसिपी के सारे सीक्रेट जानने के लिए आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें और मुझे कमेंट और लाइक करके जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इसकी शुरुआत करते हैं हम करेले को काटने से। तो पहले आप करेले को अच्छे से धो लें और फिर उसे आगे और पीछे से थोड़ा इस तरीके से काट लें। तो करेले को पहले हम बीच में से कुछ इस तरीके से चीरा लगाएंगे। तो करेले को आप पूरा मत काटिएगा, बस कुछ इस तरीके से आप उसमें एक कट लगा दें ताकि हम इसके अंदर से सारे बीज निकाल सकें। तो मैं इसमें से बीज क्यों निकाल रही हूँ वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो आप किसी चम्मच के या चाकू के ही सहायता से इससे सारे बीज निकाल लें। आपको सच बात बताऊं तो करेले की सब्जी मुझे बचपन से बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, पर मैंने करेला कुछ इस तरीके से बनाया और अब ये मेरे पसंदीदा सब्जियों में से एक है। तो यहाँ मैंने लिए हैं कुछ 250 से 300 ग्राम करेला और सारे करेलों को मैंने सेम तरीकों से अंदर से काट के इसमें से सारे बीज निकाल लिए हैं। और अब बारी आती है करेले को कद्दूकस करने की। तो मैंने एक ग्रेटर ले लिया है और उसके बड़े वाले साइड से इसे कद्दूकस कर लिया है। मैंने इसी वजह से इसमें से बीज निकाल लिए थे ताकि कद्दूकस करते वक्त बीज इसमें ना आए। तो सारे करेले कद्दूकस होकर रेडी हैं और इसमें कुछ पीसेस बच गए थे, उसे मैंने साइड में निकाल लिया है। आप चाहे तो एंड तक इसे कद्दूकस कर सकते हैं। और अब आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप। तो आप करेले में से उसकी पूरी कड़वाहट, मतलब उसका पानी, इस तरीके से निकाल लें। और आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो करेले को आप अच्छे से एक से दो बार अच्छे से निचोड़ लें और उसमें से पूरा पानी निकाल लें। तो करेले में से उसकी पूरी कड़वाहट निकल चुकी है, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये करेले का कीमा बना हुआ है। तो अब बारी आती है करेले में और भी कुछ चीजें डालने की। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा प्याज ले लिया है, आप चाहें तो यहाँ दो मीडियम प्याज भी ले सकते हैं। तो प्याज को हमें लंबाई पर बारीक काट लेना है कुछ इस तरीके से। तो प्याज कट कर रेडी हो चुके हैं। तो प्याज अगर कटने के बाद कुछ इस तरीके से चिपक गए हैं तो आप उसे हाथ से अलग कर लें ताकि सब्जी में ये अच्छे लच्छेदार दिखे। और अब बारी आती है इस रेसिपी के पहले सीक्रेट की। तो आप एक तवा ले लें और उसे मीडियम फ्लेम में रख दें और उसमें डाल दें एक चम्मच तिल और दो चम्मच मूंगफली के दाने। तो इसे हमें दो से तीन मिनट तक अच्छे से रोस्ट करना है, जब तक जो मूंगफली के छिलके हैं वो उसमें से अलग ना होना स्टार्ट हो जाए और जो तिल है उसमें से चटकने की आवाज ना आने लग जाए। तो दोनों चीजें अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं। तो अगर आपके पास पहले से भुनी हुई तिल का और मूंगफली का पाउडर है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो इसे मैंने डाल दिया है मिक्सर जार में और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इसका अच्छा फाइन पाउडर बना लेंगे। तो सारी चीजें अब रेडी हो चुकी है और अब बारी आती है करेले के कीमा बनाने की। तो मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और उसमें डाल दिया है 4 से 5 चम्मच तेल। तो करेले की कोई भी आप सब्जी बनाएं उसमें तेल थोड़ा सा ज्यादा लगता है बाकी सब्जियों से, पर आप चाहें तो यहाँ कम तेल यूज कर सकते हैं। तो गैस को रखा है मैंने मीडियम फ्लेम पे और तेल गर्म हो चुका है। जैसे ही तेल गर्म हो आप उसमें डाल दीजिए आधा चम्मच जीरा, और जीरा जब चटकने लग जाए, मतलब पॉपअप होने लग जाए, तब उसमें आप डाल दीजिए प्याज जिसे हमने पहले ही काट के रखा हुआ था। तो प्याज को हमें यहाँ बहुत ज़्यादा ब्राउन होने तक नहीं पकाना है, बस इसे हमें तभी तक पकाना है जब ये हल्के से नरम हो जाए। तो आप प्याज को पहले अच्छे से तेल के साथ मिक्स कर लें और 2 से 3 मिनट के बाद ही ये जो प्याज है ये थोड़े से नरम हो चुके हैं। उसमें आप डाल दीजिए कद्दूकस किया हुआ करेला। तो करेले को पहले हमने ब्राउन इसीलिए नहीं किया था क्योंकि वो करेले के साथ भी थोड़ा और पकेगा। तो अगर आप पहले ही करेले को बहुत ज्यादा ब्राउन कर देते तो वो करेले के साथ मिक्स होकर वो जलने लग जाता। तो यहाँ पर अब हम करेला और प्याज को साथ में पकाएंगे। तो गैस का फ्लेम कर दीजिए आप लो और इसे 5 मिनट तक आप अच्छे से पकने दें। तो यहाँ ये सब्जी को पकते हुए हो गए हैं 5 मिनट। आप उसके बाद उसमें डाल दीजिए 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ताकि उसमें एक अच्छा सा कलर आ सके, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आपको तीखा पसंद है तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं, और आपके स्वाद के अनुसार नमक।
और इसमें आपको और कोई भी मसाला डालने की जरूरत ही नहीं है, तो बस आप इसे अच्छे से मिक्स करते जाएं, ताकि जो मसाला है वो अच्छे से करेला और प्याज के साथ मिक्स हो जाए। तो अब इसे हम 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम में पकाना है, तो आप इसे बीच बीच में इस तरीके से चलाते जाएं ताकि ये कढ़ाई से नीचे चिपके ना। और 10 से 15 मिनट के बाद ही ये देखिए जो करेला है और प्याज है वो अच्छे से भून चुके हैं, अच्छे से पक चुके हैं। तो यही सही समय है इसके दूसरे सीक्रेट का। इसमें आप डाल दीजिए 1 बड़ा चम्मच अमचूर पाउडर और 1 छोटा चम्मच शक्कर। आप चाहे तो यहाँ गुड़ भी डाल सकते हैं। तो ये जो कीमा है ये बहुत ही अच्छा चटपटा सा बनेगा, तो इसे आप अच्छे से मिक्स कर लें। तो याद रखिएगा, अमचूर डालने के पहले जो करेला है वो अच्छे से पक जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अमचूर यहाँ पर कच्चे करेले में डाल दिया तो करेला का सब्जी पकने में काफ़ी समय लगेगा। तो अमचूर और शक्कर डालने के बाद मैंने इसे 2 मिनट तक और पकाया है, ताकि जो शक्कर है वो अच्छे से घुल जाए। और फिर जो मूंगफली और तिल का हमने पाउडर बना के रखा था वो आप उसमें डाल दें। तो मूंगफली और तिल का पाउडर डालने के बाद इसका टेस्ट बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, किसी को समझ में भी नहीं आएगा कि ये करेला है। तो आप इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लें और इसे ढककर 5 मिनट तक पकने दें। और 5 मिनट हो चुके हैं, चलिए देखते हैं कि सब्जी कैसी है। और ये जो करेले का कीमा है ये बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आप इसे गर्मा गर्म रोटी या चावल के साथ सर्व करें। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।